हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो है समर स्पेशल फेस पैक। वो सारी स्किन सूटेबल फेस पैक मैंने बनाया है और आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही कमाल का फेस पैक है। अगर आपकी जो फेस पर हल्के से दाने वगैरह जो उठना शुरू हुए हैं, हल्के हल्के आ रहे हैं, तो उस पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। क्योंकि मैंने मिनी हॉल शेयर किया था, पर्पल हॉल शेयर किया था मैंने आपके साथ, और उसमें मैंने कायोलिन भी ख़रीदा था। तो मैंने सोचा चलिए उसके साथ ही एक फेस पैक बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने वही बनाया है और आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिए। तो अगर आपके कायोलिन नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, इसमें आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी सभी के पास होती है, सब लोग अपने फेस पैक बनाते ही हैं। गर्ल्स हैं आप तो आप बनाती होंगी, मोस्टली सारे घरों में ये मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है, सब लोग रखते ही हैं अपने पास। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है और फिर मैं लगाना भी बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, समर स्पेशल पैक के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले मैं कायोलिन पाउडर लूँगी जो मैंने मिनी पर्पल हॉल में शेयर किया था आपके साथ कि मैं यूज़ कर रही हूँ। कायोलिन पाउडर को यूज़ करूँगी और मैं अब इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैं एक बार पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन फिर से मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ये बहुत ही अच्छा है, ये मुल्तानी मिट्टी की जगह आप ले सकते हो। मैं सिर्फ इतना ही ले रही हूँ, आधा स्पून होगा ये, और थोड़ा और डाल दूंगी मैं इसमें। ये देखिए इतना और ले रही हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर डालूंगी। ये आपके जो दाने वगैरह हो गए हैं गर्मी की वजह से, जो आजकल समर चल रहा है, बहुत ज़्यादा दाने वगैरह हो रहे हैं फेस पर, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये वाला पैक। और ये आपको ज़रूर आप यूज़ करिए क्योंकि ये यूज़ करने से बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैं इसमें, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग आप अपना फेस पैक बना लीजिए, बस मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या आपको लेना है। और ये भी आपको सिर्फ थोड़ा ही लेना है क्योंकि चंदन आपकी स्किन को ठंडक प्रोवाइड करता है, इस वजह से ले रही हूँ मैं चंदन। और इसमें थोड़ा मैं कॉफ़ी पाउडर लूँगी। कॉफ़ी पाउडर से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। कैफीन होता है कॉफ़ी में, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा ले लूँगी, इतना ले लूँगी मैं। ये नेस्कैफे है, मैं नेस्कैफे का पाउच लेकर आई थी, 10 रुपीज़ का जो पाउच आता है वो है ये, 10 रुपीज़ का पाउच है, ये 10 रुपीज़ लिखा हुआ है। और कायोलिन मुल्तानी मिट्टी की जगह आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और मैं ले रही हूँ इसेंशियल ऑयल, ये है ऑरेंज इसेंशियल ऑयल, मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। आपको 2-3 ड्रॉप ले लेना है, 2 ड्रॉप बहुत है, बस इतना ही मैं लूँगी। और मैं टी ट्री ऑयल भी ले रही हूँ, टी ट्री ऑयल भी था मेरे पास क्योंकि मुझे दाने हुए हैं तो मैं इसको ले रही हूँ। तो मैं टी ट्री ऑयल की भी 2 ड्रॉप ले लूँगी। ये देखिए गिर रहा है, ओ ये गिर कैसे रहा है। मैंने इसका जो छेद था वो उसको बड़ा कर दिया है। और एक थोड़ा सा टमाटर का जूस ले लूँगी मैं, टमाटो जूस, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी इसमें, जो आपको थोड़ा बहुत जैसे सन बर्न हुआ होगा, सन डैमेज से थोड़ी बहुत जो आपकी स्किन सन टैन हो रखी होगी तो वो भी इससे कम हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा टमाटो ले रही हूँ जूस, ऐसे ही ले लूँगी मैं। और मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर, ये मैंने घर पे बनाया था, मैं वो वाला रोज़ वाटर ले रही हूँ। ये मैंने फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ, आप भी फ्रिज में रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि गर्म में हमेशा फ्रिज में रख लें ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं कम ही डाल रही हूँ अभी, पहले मिक्स कर लूँ फिर देखती हूँ कि मुझे और ज़रूरत है या नहीं।
तो मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए आपको ऐसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपके पास कायोलिन पाउडर नहीं होगा, मैं जानती हूँ क्योंकि अभी आप लोगों ने बाय नहीं किया होगा, तो आप क्या करिए कि आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो कायोलिन की जगह, लेकिन आप कायोलिन पाउडर ज़रूर खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट है ये गाइस, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है आपके चेहरे को। ये सारी स्किन को सूटेबल ये पैक बनाया है मैंने, आप लोग लगा सकते हो। मैं ऐसे ही स्पून से लगा ले रही हूँ और मैं बहुत जल्दी में हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं रात में बना रही हूँ तो सब लोग सो रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म कर दे रही हूँ। कोई पुराने कपड़े डाल लीजिए आप, और ये मैंने बिल्कुल फेस बिल्कुल क्लीन है मेरा फेस, और तभी मैं लगाऊंगी। आप कोई भी फेस पैक है तो आप बिल्कुल क्लीन फेस पर ही अप्लाई कर लीजिए। अब मैं हाथ से ही लगा ले रही हूँ, जल्दी लग जाएगा, कौन ब्रश व्रश उठाए। चंदन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे जो दाने हुए हैं वो थोड़े ठंडक मिलेगी उनको और अच्छे हो जाएंगे, वो ठीक भी हो जाएंगे। और मैंने टी ट्री ऑयल भी इसीलिए डाला है। मैंने सिर्फ ये लिप बाम लगाया था और कुछ भी नहीं लगाया मैंने अपने फेस पर, तो मेरा बिल्कुल क्लीन फेस था, तो मैं उस पर ही अप्लाई कर लेती हूँ। और 10 से 20 मिनट्स आप रख सकते हो, 15 से 20 मिनट्स आप रख सकते हो इस फेस पैक को। बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन बिल्कुल मिरर हो जाएगी, बिल्कुल शाइनी शाइनी ग्लोइंग नज़र आएगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपके इसमें 2-in-1 काम हो रहा है, आपके जो दाने हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, जो आपको हल्के फुल्के जो दाने हो जाते हैं ना समर्स में, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और मुझे बहुत कूल कूल सा लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें चंदन डाला हुआ है, और चंदन के साथ मैंने जो ऑयल डाला है वो भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने पहले बताया है क्योंकि मुझे दाने हो रखे हैं, तो उसके लिए मैंने बेस्ट ऑप्शन ढूंढा है। मैं ही सोच रही थी इसको किस तरह से मैं अप्लाई करूं, पहले मैं लगा चुकी एक बार, लेकिन उस समय मुझे इस पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब दाने हो गए तो मैंने सोचा चलिए इसको इस तरह से लगा के देख लेती हूँ मैं। टैनिंग हो रखी होगी तो टमाटो से भी कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने टमाटो का जूस भी डाला है इसमें और मैंने रोज़ वाटर भी डाला है। रोज़ वाटर इसलिए थोड़ी ठंडक भी रहेगी, ठंडा ठंडा इसीलिए भी मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल कूल बिल्कुल ठंडा फ्रिज से निकाल कर लाई थी मैं रोज़ वाटर, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो मेल्ट हो जाते हैं जैसे लिप वगैरह है, वो भी मैं अपने फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि वो ठीक रहे अच्छे, उनका सेप ना बिगड़े, क्योंकि लिप कलर थे वो भी थोड़े से मेल्ट होने लगते हैं समर्स में। और एलोवेरा जेल भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। ये देखिए मैंने सारा लगा लिया है, अब मैं इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दूँगी ऐसे ही। मैं आपको क्लीन फेस के बाद मिलती हूँ, मैं वॉश कर लूँगी तब मिलूँगी। तो देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है, देखिए बहुत अच्छा हो गया, देखिए साइन देखिए आप देख रहे हैं ना आप ग्लो, ये देखिए इतने में ही इतना ग्लो हुआ है। तो आप सोचिए अगर आप ये लगाते रहेंगे और दाने भी अब मेरे ठीक हो जाएंगे। अब मैं इसके बाद क्या लगाऊंगी कि टोनर लगा लूंगी, मैं अपने फेस पर बायोटिक का टोनर अप्लाई कर लूंगी और इसके बाद मैं लगा लूंगी अपना एलोवेरा जेल। बस इतना हैंड पर ले लूंगी,
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि ये मैंने किस तरह बनाया है और किस तरह क्या यूज़ किया है, क्या क्या मैंने यूज़ किया ये भी आपने देख लिया है। तो आप लोगों को अच्छा लगे ये फेस पैक तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव फेस पैक है और इससे बहुत ही अच्छी ग्लो आती है। देख लीजिए आप मेरे फेस पर, यहाँ पर इस साइड में कितना अच्छा ग्लो आया है क्योंकि मैंने इसको अप्लाई करके निकाल दिया था। और आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग ये ज़रूर बनाइए, मैंने तो अपने यूज़ किया ही है, आप लोग भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरा बैकग्राउंड कैसा लगा, मैंने बैकग्राउंड भी चेंज किया है, मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, वो वाला जब मैं वहाँ बैठती थी तो मैंने सोचा इससे मैं भी बोर हो गई हूँ तो थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, और हाँ फ्रेंड्स आप लोग गिव अवे के लिए आप लोगों को क्या रूल है ये तो मैंने बता ही दिया, अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए तो आप लोगों को गिव अवे का विनर्स मैं बना दूँगी। और 10 विनर्स होंगे इसलिए आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप लोग भी यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर इसलिए करना है क्योंकि मेरा भी वीडियो थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। और आप लोगों को तो गिफ्ट चाहिए, मैं गिफ्ट दूंगी, और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐप ऐसे मत जाइए और ऐसे मत जाया करिए, और ये बिल्कुल फ्री होता है तो आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक आपके लाइक से हम लोगों का बहुत फ़ायदा होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मोटिवेट कीजिए हम लोगों को, हम लोग नए यूट्यूबर हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम लोग भी थोड़ा देखें जाने और आप लोगों को अच्छे से समझा पाएँ। ऐसा नहीं है गाइस जो पहले जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वही आपको अच्छा अच्छा सब कुछ बता सकते हैं, नहीं गाइस ऐसा नहीं होता है, वो लोग भी बता रहे हैं और हम लोग भी अभी नए हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताएंगे आप लोगों को, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को लाऊंगी मैं दिखाने और आप लोगों की यूज़ करने, इसलिए आप लोग मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। और बस आप लोगों को 2-3 रूल हैं इसमें गिव अवे में कि पहला आप लोग को सब्सक्राइब करना है, सेकेंडली आपको शेयर करना है और थर्ड आपको लाइक करना है। शेयर इसलिए करना है क्योंकि शेयर आप लोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, और आप लोग उनको शेयर करने के लिए बोलिए, जिस आप लोग नए आए हैं तो आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आप लोग के पास पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो और ये बहुत ही सिंपल वे है, आप लोग जानते हैं कि सभी लोग गिव अवे रखते हैं, तो अब देखिए आप लोगों को तो कुछ चीज़ मिलेगी, ये तो बहुत ही अच्छी बेस्ट बात है। आप लोगों को उन लोगों के साथ भी रहिए और जो आप नए नए यूट्यूबर्स के साथ रहते हो उन लोगों का साथ देते हो, उन लोगों का सब्सक्राइब करके रखे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग करिए। लेकिन जो छोटे यूट्यूबर्स जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं तो उनको भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप सब्सक्राइब करोगे और कमेंट भी ज़रूर करिएगा मुझे, मैं हर वीडियो में आपका कमेंट मुझे चाहिए, कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल में जो भी वीडियो है उसमें मुझे कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे, आप लोग को मेरा पैक वगैरह कैसे, जो भी मैं वीडियो जिस टाइप का जो वीडियो बनाऊंगी मैं उस पर मुझे कमेंट चाहिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बात हो जाती है तो मैं रोज़ समझाती हूँ आप लोगों को, और मेरा वीडियो आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है मेरा वीडियो, लेकिन आप लोग ज़रूर वेट किया करिए और देखने के लिए ज़रूर वेट कीजिए मेरे चैनल्स को और मेरे वीडियोस को। चलिए फ्रेंड्स बाय, बहुत टाइम हो गया, बाय।